सो दिस इज़ द बिल्डिंग जिसका मैं आज आपको एम्प्टी हाउस टूर देने वाली हूँ। Hey guys, so मैं आज आपको दिखाती हूँ 1 BHK एम्प्टी हाउस टूर। सो दिस इज़ द बिल्डिंग जिसका मैं आज आपको एम्प्टी हाउस टूर देने वाली हूँ। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर घर में। 1 BHK है ये, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। लुक एंड इट्स सो मच स्पेशियस। जब हम यहाँ से एंटर करेंगे सो ये पाउडर रूम है। अभी लाइट्स ऑफ है बिकॉज डेवा का कनेक्शन कट हो रखा है। सो ये हमारा एक एक्स्ट्रा गेस्ट वॉशरूम होता है जिसमें वॉश बेसिन एंड पॉट होता है, दैट्स इट। इसमें शावर एरिया नहीं होता। जब यहाँ से एंटर करेंगे सो ये है हमारी क्लोज्ड किचन। इसको बेसिकली सेमी क्लोज्ड कहते हैं बिकॉज ये यहाँ से विंडो ओपन है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ क्लोज्ड किचन। और बहुत अच्छी स्पेशियस किचन है। मतलब जो मेरा मेन एक पॉइंट था ना घर का, वो ये था कि मुझे किचन अच्छी चाहिए। मतलब थोड़ी सी स्पेशियस होनी चाहिए विद प्रॉपर कबर्ड्स होनी चाहिए एंड एवरीथिंग। और स्पेशली मुझे सिंक भी दो चाहिए थे क्योंकि एक में आप नॉर्मल बर्तन रख लो और एक में ग्लास के रख दो। और इनको ड्राई करने के लिए भी ऐसा कुछ एक अलग से होना चाहिए था बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं है कि स्लैब पे फिर वो बर्तनों का टोकरा रखा रहता है और स्लैब भी गंदे होते हैं एवरीथिंग, वो सब मुझे पसंद नहीं था। सो ये भी मतलब मेरे तो चॉइसेस भी बहुत अलग अलग है। एनीवेज मैं आपको किचन दिखाती हूँ। किचन में देखो कितनी सारी कबर्ड्स हैं, ठीक है। और सिमिलरली नीचे भी कबर्ड्स हैं, सारी ड्रॉर्स हैं, कबर्ड्स एंड एवरीथिंग। प्लस ये फ्रिज की जगह इन्होंने छोड़ रखी है यहाँ पे, ये फ्रिज की स्पेस है। और ये चिमनी इन्होंने प्रोवाइड करी हुई है, हमें अपना इंडक्शन स्टोव लाना है। एंड ये है हमारी गैस की पाइपलाइन, सो ये लग जाएगी। सो यस, दिस इज़ किचन विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी स्पेशियस। किचन के जस्ट सामने है दिस इज़ स्टोर रूम। स्टोर रूम भी अच्छा है, स्टोर रूम नहीं सॉरी लॉन्ड्री रूम कह सकते हो आप। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हो, प्लस कुछ अपना बेसिक आदित के टॉयज वॉयज भी आप इसमें रख सकते हो। ये गीज़र है, सो दिस इज़ गीज़र स्पेस। सो ये इन्होंने एक 1 बेडरूम के साथ स्टोर रूम दिया हुआ है। सो ये है 1 BHK का बेडरूम और ये है इसकी ह्यूज लॉबी, ड्राइंग रूम जिसे कहते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, ये देखो ये किचन की विंडो। एंड यस, ड्राइंग रूम में भी मतलब काफ़ी अच्छी स्पेस है। मतलब आप बहुत आराम से अपना ड्राइंग रूम में सोफ़ा रख सकते हो, अपना टीवी पैनल बना सकते हो। प्लस ये जो फुल वॉल पे इन्होंने विंडोज़ दी हुई हैं, बालकनी से कनेक्टेड ये नहीं है, बालकनी का गेट ये वाला है। सो आप ड्राइंग रूम से भी बालकनी को एक्सेस कर सकते हो। सी बालकनी इज़ काफ़ी बिग बालकनी है इसकी, ये देखो। एंड द व्यू फ्रॉम द बालकनी इज़ दिस। क्योंकि ये 5th फ्लोर है तो सारी बिल्डिंग्स हमारे से ऊपर है। और अभी तक मुझे ग्रैंड वैली में क्या था, हम जहाँ रह रहे थे ना वो हमारा 13th फ्लोर था। सो उसकी वजह से मुझे इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स अपने सामने ना आदत नहीं है, क्योंकि हमारा 13th फ्लोर है प्लस हमारी बिल्डिंग के सामने कोई बिल्डिंग नहीं है। सो हमारी बिल्डिंग का बहुत अच्छा व्यू आता है, लेकिन ये 5th फ्लोर है। बट दिस इज़ वेरी गुड, आई विल शो यू। एंड दिस इज मी, हाई। आप यहाँ पे अपना शू रैक भी रख सकते हो, कॉफी टेबल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। सो बालकनी देखो, यहाँ से स्टार्ट होके वहाँ तक बालकनी है। और ये बेडरूम की विंडोज हैं जो हम अंदर से एक्सेस करेंगे इसको। सो ये है आपका व्यू इस बिल्डिंग से, जो कि बहुत सुंदर है। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्राइंग रूम। अब जाते हैं हम बेडरूम में। सो ये है, दिस इज़ द बेडरूम। बेडरूम के अगेन फुल वॉल पर आपकी मिरर्स एंड बालकनी दी हुई है। बालकनी का एक्सेस मैंने आपको अभी दिखाया वहाँ से। एंड ये है आपका बेडरूम। बेडरूम का साइज़ 1 BHK के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा है। जनरली होते नहीं हैं दुबई में इतने, मतलब नॉर्मल बड़े साइज़ के घर। एंड ये आपकी कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स लाइक दिस। दिस इज़ 1 कबर्ड, लाइक बेसिकली 2 कबर्ड्स हैं, जिसको इसको कहते हैं 2.1.1, बिकॉज ये आपकी डबल डोर की है तो इसको 2 हो गई, विच इज़ गुड। और ऊपर भी काफ़ी स्पेस है, मतलब आप अपने ब्रीफ केसेस या फिर विंटर वेयर थोड़े बहुत जो होते हैं वो ऊपर रख के डंप कर सकते हो।
ये कबर्ड्स का सीन बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये है इसका वॉशरूम एरिया जिसमें टब नहीं है लेकिन वॉक इन शावर है, सो इट्स अ गुड थिंग। प्लस यस हाई, दिस इज द सिंक एरिया एंड 1 BHK के हिसाब से बेडरूम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तो सनलाइट आएगी लेकिन 3:30 बजे के आसपास सनलाइट आएगी, सो एक बार तब देखना पड़ेगा कि सनलाइट का क्या सीन है। अदरवाइज इट्स वेरी गुड एंड काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी ब्राइट अपार्टमेंट है एंड मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आ रहा है। सो आई गेस मैं इसको फाइनल कर दूंगी बिकॉज काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्पेस वाइज ना। एंड सबसे बड़ी बात इसमें स्टोर रूम भी है, तो आप स्टोर रूम में भी काफ़ी अपना सामान डंप कर सकते हो, काफ़ी बच्चों के सामान टॉयज वगैरह रख सकते हो। सो और वैसे भी हमारी एक कपल और एक बच्चे के हिसाब से 1 BHK इनफ है, काफ़ी इनफ है। हमें ज़रूरत नहीं है कि अभी हम 2 बेडरूम वाला लें अपार्टमेंट। सो और ये है इसका आइल्स एरिया, जो भी कहते हैं बीच का जो लॉबी एरिया होता है। सो आप यहाँ पे भी अपना एक शू रैक रख सकते हो या फिर अच्छा मुझे मंदिर का देखना था कि मैं मंदिर कहाँ लगा सकती हूँ, बिकॉज मंदिर का मुझे था कि मैं मंदिर का एक छोटा सा कॉर्नर होना चाहिए अगर मैं वो लगाऊं, या तो मुझे मंदिर ना यहीं पर ही कहीं पे लगाना पड़ेगा कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम भगवान को देखते हुए एकदम से जाएं। सो वो भी बहुत ऑप्शन अच्छा है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ये वाला फ्लैट। प्लस जैसे कि मेरा इस पर मन आ गया है कि मैं इसको ले लूँ अब, अदरवाइज मुझे पसंद बहुत मुश्किल से फ्लैट्स आ रहे हैं बिकॉज मेरी जो चॉइसेस है ना वो काफ़ी बहुत सारी चॉइस हो जाती हैं शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो अपूर्व इज़ लाइक कि इतनी सारी चीज़ें दुबई के घरों में नहीं मिल सकती हैं। सो यस यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। सो अब देखते हैं इसका क्या रेट डिसाइड होता है, जो इसका 1 BHK का रेट उन्होंने हमें बताया है इट्स 85,000 पूरे साल का है दिरहम, 85,000 दिरहम्स पूरे साल का रेंट उन्होंने हमें बोला है। सो अभी हम वही देख रहे हैं कि 1 चेक और 2 चेक में कैसे होगा, अगर 2 चेक देते हैं तो क्या डिस्काउंट है, 4 चेक देते हैं तो क्या डिस्काउंट है। ये है इनका हाई फ्लोर और ये चिल्ड्रंस प्ले एरिया है एंड लुक एट द चिल्ड्रंस प्ले एरिया। मुझे लग रहा है जिन लोगों ने अपने सारे जो ब्रोकन टॉयज है ना वो यहाँ पे डंप कर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुझे टॉय जिंदा तो लग नहीं रहा। एनीवेज इन्होंने प्ले एरिया दिया हुआ है वो काफ़ी अच्छा वो है कॉन्सेप्ट है बच्चों का। देखो सारे जो टॉयज है ना वो ऐसे ही टूटे फूटे से पड़े हुए हैं, किसी ने सबके जो टूटे हुए टॉयज होते होंगे ना वो यहाँ रख जाते होंगे। बट ठीक है, एक डेडिकेटेड एरिया तो है ना, बच्चा एटलीस्ट भाग सकता है, लेकिन क्या ही करेगा, मेंटेनेंस नहीं हो रखी है प्ले एरिया की, बट ठीक है। आदर इज गॉन क्रेजी। आओ हम देखते हैं जो अपूर्व की रिक्वायरमेंट है, दैट इज जिम। अब हम जिम देखते हैं कि यहाँ पे जिम कैसे है। एंड अच्छा ये रहा, ओके जिम एरिया इज दिस। लॉक्ड है आई थिंक, इट्स ओके जिम लॉक्ड है, बट दिस इज द जिम। ट्रेडमिल्स हैं, वेट्स भी हैं, नॉर्मल मशीन्स हैं, एवरेज मशीन जो सब में होती हैं, इट्स गुड। सो ये है 1 BHK जो दुबई में नॉर्मल 1 BHK होते हैं। मैंने आपको उसका एम्प्टी हाउस टूर दिया है, मेरी आवाज़ भी बहुत एको हो रही है। सो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू, बाय।